सीबोहर में शहरियों ने बच्चों को अगवा करने वाला नौजवान पकड़ लिया है। शहरियों ने अगवाकार की दुर्गत बना डाली और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया है। मुल्तान की बस्ती बोहर में शहरियों ने बच्चों को अगवा करने वाला नौजवान पकड़ लिया है। इसी बारे में मजीद अपडेट लेंगे फरहान मलगानी से। फरहान बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये थीतल माड़ी मुल्तान का इलाका है बस्ती बोहर, जहाँ से ये मुलजिम जो है आज शहरियों के हत्थे चढ़ा है। शहरियों का कहना है कि ये 6 साल बच्ची है, उसको अगवा करके जा रहा था तो उसको जो है रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने जो है खुद ही जो है अपनी अवामी अदालत लगाते हुए इसको जो है इसकी शदीद दुर्गत बनाई और उनको जो मुलजिम है उसको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान शहरियों का ये कहना था कि उन्होंने पुलिस को भी कॉल की, लेकिन पुलिस जो है वो रवायती अंदाज में हस्बे मामूल जो है वो बहुत तखीर से पहुंची। इस दौरान जो ये मुलजिम है वो शहरियों की दुर्गत का निशाना बनता रहा और शहरियों ने जो है इसका जो है मार मार कर बुरा हाल कर दिया। थाना शीतल माड़ी पुलिस जो है वो उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को जो है हिरासत में ले लिया और उससे मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। फरहान मलगानी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। पंजाब में बच्चों के खतरनाक हद तक अगवा के मामले पर पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार जमा करवा दी गई है। तहरीक इल्तवाकार अपोजिशन लीडर मियां महमूद उर रशीद की जानिब से जमा कराई गई है। आपको बताएं कि पंजाब में जून के महीने के दौरान 652 बच्चे अगवा या लापता हुए। सबसे ज्यादा बच्चे लाहौर से 312 अगवा हुए। पुलिस ज्यादातर केसेस का सुराग नहीं लगा सकी है। पंजाब में बच्चों के अगवा के मामले पर पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार जमा करवा दी गई है। तहरीक इल्तवाकार ओपोजिशन लीडर मियां महमूद उर रशीद की जानिब से जमा कराई गई है। पंजाब में जून के महीने के दौरान 652 बच्चे अगवा या लापता हुए हैं। सईद लोधी से मजीद अपडेट देंगे। सईद लोधी बताएगा, तहरीक इल्तवाकार जमा कराई गई है। पंजाब में बच्चों के अगवा के मामले पर पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार जमा करा दी गई है। तहरीक इल्तवाकार ओपोजिशन लीडर मियां महमूद उर रशीद की जानिब से जमा कराई गई है। और पंजाब में अगर जून के महीने की बात की जाए तो इस दौरान 652 बच्चे अगवा या लापता हुए हैं और सबसे ज्यादा पंजाब में बच्चे लाहौर से अगवा हुए, जिनकी तादाद 312 बताई गई है। पुलिस इनमें से ज्यादातर केसेस का सुराग ही नहीं लगा सकी है। पंजाब में बच्चों के अगवा के मामले से हवा आपको अपडेट करें, जिसमें पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाकार अब जमा करा दी गई है और ये तहरीक इल्तवाकार ओपोजिशन लीडर मियां महमूद उर रशीद की जानिब से जमा कराई गई है। पंजाब में जून के महीने के दौरान 652 बच्चे अगवा या लापता हुए। सबसे ज्यादा बच्चे लाहौर में, 312 अगवा हुए हैं। पुलिस इन केसेस का सुराग नहीं लगा सकी। सईद लोधी से मजीद अपडेट देंगे। जी सईद लोधी। जी ऑपोजिशन लीडर जो है पंजाब असेंबली के अंदर मियां महमूद रशीद, उनकी जानिब से एक तहरीक इल्तवाकार जमा कराई गई, जिसमें जो है पंजाब में जो बच्चों की जो अगवा होने की जो है शराब बढ़ने पर जो है तशवीश का इजहार करते हुए जो है फौरी तौर पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। करारदाद के अंदर कहा गया है कि पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन कोई 600 से जायद बच्चे, जबकि सिर्फ लाहौर से जो है 300 से जायद बच्चे जो है वो अगवा हो चुके हैं, जिस पर उनके वालदैन जो है शदीद तशवीश में मुबतला हैं। हुकूमत जो है इसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस ले और मुतालिका इदारों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और ये जो अगवाकार हैं, जो ग्रोह इधर काम कर रहे हैं शूबा पंजाब के अंदर, उनको जो है वो गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी सईद लोधी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। लाहौर